सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये मेरा तीसरा दिन है ऊटी के अंदर एंड ये एक नया दिन है, नई शुरुआत है और नई जगह पे हम एक्सप्लोर करेंगे। नज़ारे देख लो पहले आप, ये मेरे होटल के सामने का नज़ारा एंड मैंने अपना जो नाश्ता है, मैंने अपना नाश्ता ये अंदर ही बुला लिया है, तो चलो खाना खाते खाते आपसे बात करते हैं। किधर जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं? तो सो राइट नाउ आई एम गोइंग ऊटी लेक। तो अभी इंजन को कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के बाद राइड शुरू हो जाएगी एंड रुपेश जो लड़की लोग की तरफ तैयार होता है वो अभी तक नहीं आया है। लास्ट 5-10 मिनट से मैं उसका यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ये वेट करना बहुत भारी पड़ता है। तो फाइनली अभी बोट हाउस के लिए मैं निकल गया हूँ एंड सबसे मेरे होटल की जो सबसे बेस्ट बात ये है कि इसका लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ऊटी का टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन एंड बोट हाउस वॉकिंग डिस्टेंस पे, वॉकिंग। टॉय स्टेशन तो सामने ही है, जस्ट 200-300 meters दूर है एंड जो बोट हाउस है वो 1.3 kilometers दूर है। हार्डली कुछ बहुत लाइक 10 मिनट भी नहीं लगेगी पहुंचने में, 10 मिनट के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे बोट हाउस एंड उसके बाद भी होटल ओनर ने दो तीन गार्डन सजेस्ट किए, तो बोट हाउस के बाद हम वहाँ पे भी देख लेंगे। तो अभी तो फिलहाल बोट हाउस ही जाते हैं, चलो। सो द बोट हाउस आ गया है। यस सर, हाँ अच्छा एग्जिट है ये, तो हम गलती से एग्जिट में घुस गए थे एक्साइटमेंट के मारे। अभी चलो सामने ही है बोट हाउस, ये देखो सामने ही दिख रहा है। अरे बहुत ठंडी लग रही है यार, अभी निकल के 2 मिनट भी नहीं हुआ होटल से, वो ऐसे ठंडी लग रही है। और जो अरे अपन ने जो कल का होटल बुक किया ना, ये देखो ये बोट हाउस आई क्या। अरे कल का भी यही होटल बुक किया था अपन ने, नाश्ता नहीं बुक किया उसके अंदर। कॉफी शॉप एक नंबर, बोट हाउस तो बहुत जबरदस्त है। यस हाँ 12 rupees ये बोट हाउस एंट्रेंस टिकट देखते हैं। और ये यहाँ से जैसे आओगे ना, ये 2-wheeler के लिए यहाँ पे पार्किंग है बस, और 4-wheeler के लिए तो आपको सामने ही दिख जाएगा। छाँव वाली में आराम से खड़े करते हैं अपनी बाइक को। सो फाइनली बोट हाउस आ गए एंड ये देखिए ये यहाँ का एंट्रेंस है एंड मैं टिकट काउंटर के पास जाके देख लेता हूँ यहाँ की फ़ीस क्या है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, तो हर शॉप भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आके आप क्या क्या ख़रीद सकते हो। एंड फिलहाल मैं यहाँ से अपना हेलमेट ले लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ और फिर मुझे वापस एक बार फटकानी पड़ जाए। तो फाइनली वी आर एट द बोट हाउस एंड पता नहीं यहाँ पे रुपेश किधर चले गया है, आई थिंक वो टिकट बुक कर रहा होगा। तो यहाँ पे 3 बोट्स होती है, एक तो पैडल बोट, एक रो बोट में लाइक वो लोग चप्पू चलाएंगे, और जो तीसरा होता है वो मोटर बोट। जो पैडल बोट है वो 190 rupees की है, लाइक उसके अंदर आप 2 जन बैठ सकते हो। रो बोट का भी जो कॉस्ट है वो 8-seater होती है, वो 8-seater का कुछ 1,150 rupees लेते हैं। मोटर बोट का भी सेम है एंड जितना फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, लाइक पैडल बोट जो 190 rupees की है एंड उसमें कैसा होता है कि 190 आपको पे करना होता है एंड 190 डिपॉजिट, एंड जो अब जब आप करके आ जाओगे तो डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। तो हम वही सोच रहे हैं कि अभी क्या करें, पैडल बोट में जाए या मोटर बोट में जाए, बिकॉज मोटर बोट में 8 लोग चाहिए होते हैं एंड मैं और रुपेश सिर्फ 2 ही है। तो हम 6 का जो भी ग्रुप होगा, या तो फिर सिंगल या कपल लोग होंगे वो देख रहे हैं, अगर वो मिल जाएगा तो उसके बाद हम लाइक सब मिला के मतलब ग्रुप के किसी भी ग्रुप के साथ में हम ज्वाइन हो जाएंगे। जो मेरा एडवेंचरस कीड़ा है वो मुझे एक चीज़ करने के लिए बोल रहा है, ये इसका टाइम लैप्स लेने के लिए। एंड देखिए मैंने अपना जो कैमरा है ये किधर रखा है टाइम लैप्स के लिए, अभी देखते। अब ये शॉट के लिए 1 लाइक तो बनता है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ज़रूरत है यार, जिसको ज़रूरत है उसको करो। तो भी हम लोग ने डिसाइड किया है, मोटर बोट तो मिल नहीं रही है तो पैडल बोटिंग ही करते हैं एंड मैंने भी यहाँ पे मॉन्स्टर अल्ट्रा ले लिया है, लाइक थोड़ी सी कैसा है एनर्जी बनी रहेगी पूरे दिन।
और मैं आपको बता दूं, जो टिकट घर है ना, ये जो रास्ता है, जैसे ही आप यहाँ से आओगे वैसे ही सामने टिकट घर लगेगा। मोटर बोट के लिए अलग है, पैडल बोट के लिए अलग है, रो बोट के लिए अलग है। एंड ये टिकट घर से नीचे उतरते ही आपको ये सारे क्या कहते हैं, बोटिंग स्टेशन मिल जाएंगे। इसके लिए भी अलग अलग आपको जाना होगा, पैडल बोट के लिए, मोटर बोट के लिए। मोटर बोट के लिए बैक साइड में दिस वन इज टिकट। 30 मिनट का टाइमिंग है, 380 रुपीज़, 190 रुपीज़ डिपॉजिट लिया है। 190 रुपीज़ के दो जन बैठ सकते, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 190 तो 80, 180, 160, 85, 9, 1, 90, 80, एक जन का 90 रुपया। तो चलो बोर्ड में मिलते हैं। सो फाइनली वी आर रेडी फॉर बोर्डिंग, पैडल बोर्डिंग। यहाँ पे एक कस्टमर यहाँ पे चले गए, अभी हमारी बारी है। मोबाइल पे इसके अंदर टाइमर लगा रहा है, जिसको बहुत भारी पड़ रहा है टाइमर लगाने को, लेकिन फिर भी हम करेंगे। टाइम स्टार्ट हाफ है ना। जो बोट का हिसाब रहता है ये बहुत उल्टा रहता है बोट के, ये देखो ये बोट का एक्सीलरेटर रहता है, और जो बोट की स्टीयरिंग होती है ना वो ये रहती है, दिस वन। और इसमें कैसा है कि अगर आप राइट करोगे तो बोट जाएगी लेफ्ट, और अगर आप लेफ्ट करोगे तो बोट जाएगी राइट। तो इनके लिए कभी आपने बोटिंग नहीं की है तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से देख लीजिए जो मेरे पीछे का नजारा है, पीछे पूरा बोट हाउस है। पैडल बोट में भी दो ऑप्शन आते हैं, एक 2 सीटर और एक 4 सीटर। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो 4 सीटर ही ज़्यादा मतलब बोलते ना, मैं सजेस्ट करूँगा आपको। 2 सीटर कपल्स एंड जैसे हम जैसे लोग के लिए, जहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं है उसके लिए 2 सीटर्स बहुत है। एंड पैडल बोट की एक सबसे गंदी बात ये है कि जैसे ही आप पैडल चलाना रोक देते हो ना, ये हवा की दिशा में जाने लगता है। लिटरली मैन, लाइक मुझे बोट में 34 मिनट हुए थे, सिर्फ 34 मिनट। एंड जो मेरा 190 रुपीज़ का रिफंड था वो पूरा के पूरा ये लोग ने ले लिए। अगर ये लोगों को चाहे तो एटलीस्ट जो भी 5-10 मिनट का जो भी लेट पेमेंट फीस है वो ले लो यार, पूरा 190 रुपया डिपॉजिट लेने की क्या जरूरत है इन लोगों को। बहुत अच्छे मूड में आया था, थोड़ी सी खराब मूड में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जगह बहुत अच्छी है। आप प्लीज़ आइए, एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लाइक बोटिंग पे जा रहे हो तो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा सी मूड को अच्छा करने के लिए अभी मैं स्प्रिंग पटेटो खा रहा हूँ। हमने ले लिया है ये लाइट पटेटो स्प्रिंग, 55 रुपीज़ का आया है। हम यहाँ पे आराम से बैठ के खाते, अच्छे नज़ारे में खाते खाते लाइक खाने का भी मज़ा जो है वो ट्रिपल हो जाता है। ये ले रुपेश, तू भी हाँ देख। अभी टाइम हो गया है कि हम बोर्ड आउट से निकले, रुपेश पीछे वॉशरूम गया है, उसके बाद में हम निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी बोर्ड आउट से ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया था वो टॉय ट्रेन में आया था। बट बोर्ड आउट भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस है, आप आओ यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करो। एंड सो राइट नाउ अभी मैं चॉकलेट म्यूज़ियम है, MN चॉकलेट म्यूज़ियम वहाँ पे जा रहा हूँ, तो अभी डायरेक्टली वहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हमें एग्जिट लेना है यहाँ से डायरेक्टली अभी हम म्यूजियम जाएंगे, चॉकलेट म्यूजियम। ये ट्रिप के अंदर कॉफ़ी म्यूजियम तो हमने कर लिए, अभी चॉकलेट म्यूजियम जाएंगे हम। मैडम सर प्लीज़ हट जाइए, जाने दीजिए, रास्ता दीजिए।